क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से जुड़े हैं सभी लोग। बाल विकास पैडागॉजी सीटीपी सीटेट एग्जाम के लिए तो पहला प्रश्न है आप सभी लोगों के बीच, देखें स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा अधिगम का शिक्षण स्तर नहीं है? आज की इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि पैडागॉजी सॉल्व करने का क्या तरीका है। आप लोगों को प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न का आंसर दिख रहा है, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि आंसर क्या है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किस प्रकार पैडागॉजी सॉल्व की जाती है। जैसे निम्न में से कौन सा अधिगम का शिक्षण स्तर नहीं है, प्रश्न में पूछा है कि शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं है। तो अवबोध स्तर है, चिंतनशील स्तर है, स्मृति स्तर है, लेकिन दूरदर्शी स्तर नहीं है। कौन सा नहीं है? दूरदर्शी स्तर। अगला प्रश्न है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहला है खोज, उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, उसके बाद है आत्मीकरण के बाद है संगठन के बाद है वाचन अभिव्यक्ति, तीसरा चौथा पांचवा। आंसर इसका ये है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण कौन सा होता है? पितृपुष्टि, शिक्षण प्रस्तावना, योजना। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है? योजना बनाना। लेकिन एक प्रश्न आता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितना समय लगता है? 36 मिनट का समय लगता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है इसमें, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, दृश्य से अदृश्य की ओर होता है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है। ये होता है आगमन से निगमन की ओर। कैसा होता है? आगमन से निगमन की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? वांछनीय सूचना देना होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है, जनतांत्रिक होता है, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं होता। कौन सा नहीं होता? स्वेच्छाचारी नहीं होता।
अगला प्रश्न है एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? एनिमल इंटेलिजेंस है थॉर्नडाइक की, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर की, सार्वगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट का, अनुकूलन पियाजे का। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये इसका तीसरा आंसर इसका बनेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, लेकिन किसमें आता है? प्रस्तावना कौशल में। पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है प्रस्तावना कौशल में। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन, अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता। संगणन सिद्धांत होता है स्मृति से। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित है। वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां कैसी हैं बताएं? बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, ऐसा नहीं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं, ऐसा भी नहीं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ये भी गलत। तो आंसर इसका है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति कैसा होता है?
आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, लेकिन वाय केंद्रित व्यक्ति बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का अंतर्मुखी से मतलब है कि अपनी कोई भी परेशानी है वो अपने मन में स्थिर रखता है, किसी को शेयर नहीं करता है, उसको अंतर्मुखी कहते हैं। और अपनी कोई प्रॉब्लम्स दूसरों को शेयर कर देता है उसको बहिर्मुखी कहते हैं। आंसर इसका है अंतर्मुखी। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? आगमन विधि के। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं, किसका उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण। अंगूर खट्टे हैं, ये उदाहरण है युक्तिकरण का। किसका उदाहरण है? युक्तिकरण का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया जाए। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है कैसा स्तर है? अनुभव केंद्रित, प्रधान अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर होता है शिक्षक केंद्रित। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शिक्षण का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो इसका आंसर है शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है कौन सा नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, एन कैन प्रकार धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है एन कैन प्रकार धनार्जन। अगला प्रश्न, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर की शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी, प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? प्रस्तुतिकरण। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन। किस से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सूचना प्रक्रियाकरण। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। स्थानीय
स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। इसका आंसर कौन सा बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी चौथा इसका सही आंसर। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? प्रकार्यात्मक स्थिरता, मानसिक वृत्ति, एल्गोरिदम, स्वतः शोध। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन कैसा है? किसके द्वारा दिया गया? कॉल एवं ब्रूस के द्वारा, ड्रेवहल का, डिहॉन का, क्रो एंड क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला प्रश्न, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं? वानक विचलन, मध्यांक, मध्यमान, बहुलांक। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, पॉलीमर। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल सीखना कहलाती है, अनुकरण कहलाती है, कल्पना कहलाती है, चिंतन कहलाती है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना अनुकरण कहलाती है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद, कुंठा, चिंता, तनाव। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कुंठा कहलाता है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था है कौन सी? अनुकरण। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? रेखाचित्र, संचय आवृत्ति, आवृत्ति, बहुभुज, स्तंभाकृति। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृति कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तार्किक विधि का। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित
करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? प्रेरित। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अन्वेषण शामिल है। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं वर्धना, उपरोक्त सभी। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो उपयुक्त सभी। समस्या समस्या समाधान का प्रथम चरण है परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ा संग्रह, समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथककरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से है? क्रो एंड क्रो, गॉल्टन, रॉस, वुडबर्ग। सृजन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं गॉल्टन। इन्होंने बुद्धि शब्द भी दिया था गॉल्टन ने 1885 में। सुमेलित कीजिए, ब्रूनर संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से संबंधित, आशुबेल अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, गार्डनर ब्रूनर किसे संबंधित हैं? संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से। ये गलत है, ब्रूनर है साइनोटिक्स शिक्षण प्रतिमान से। आशुबेल है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण से। इसके बाद ग्लेजर है किससे? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से। फिर गार्डनर किससे हैं? गार्डनर इसका आंसर है दूसरा।
निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल आक्रामकता की आवश्यकता, मूल प्रवृत्ति, प्राथमिक लक्ष्य, सहायता परक व्यवहार। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। शिक्षण हेतु वांशिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता से। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीय अवधान मैकडूगल का, मन का, रॉस का, डंबिल का। यह है डंबिल का। विस्मृति कम करने का उपाय है, विस्मृति कम करने का उपाय सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है रॉस द्वारा। चिंतन कौन सा दिया है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है रॉस ने। अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है? रुचि। जब तक कि बालक की रुचि नहीं होगी तब तक आंतरिक दशा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता इसका ध्यान रखना चाहिए। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक उद्देश्य, एक गति है ना कि उद्देश्य। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना द्वारा।
निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? व्याख्यान विधि प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को मानते हैं, किंडरगार्टन विधि के फ्रॉवेल हैं, कोल्डवेल कुक को खेल विधि का जनक कहती हैं और मारिया मॉन्टेसरी विधि को जनक मारिया मॉन्टेसरी को कहती हैं। अगला प्रश्न, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए? प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। अगला प्रश्न है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? व्यचन होने पर अक्षर उन्हें फट करना, ये तरीका नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि है प्रयोजनवाद पर आधारित होती है। किसी विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है विश्लेषण विधि से। किससे कराया जाता है? विश्लेषण विधि से। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस रूप से आधारित है? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग ने दिया था। किसने? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग ने दिया था। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण है उपक्रम। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है तर्क करना। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है कौन सा? तर्क करना। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है? इसको कहते हैं विस्थापन। मानसिक स्वास्थ्य और
समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित फ्रायड नहीं है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? समस्या समाधान। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन था ड्रेवर का। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार सहचर विधि, तो दोनों ही होती हैं। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्यतः संक्रिया होती है, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, ये सभी होती हैं। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? वृत्तिक वृद्धि यह परामर्श का तत्व नहीं होता है। अहम निर्देशित होता है वास्तविक सिद्धांत द्वारा। सृजनशीलता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन क्रू एंड क्रू का है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन था वुडवर्थ का। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी थी? रॉस ने दी थी कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से जो अधिगम का बोध से है। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो व्याख्यान जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? वर्णन एक शिक्षण का स्तर नहीं है। CWSN का अर्थ है, CWSN का अर्थ क्या होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में होता है? व्यक्तित्व के मापन में। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्ययों का बनते रहना
एक क्या है, संचय प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचय प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो अनुभूति एक स्मृति से संबंधित नहीं है। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? हल ने। किसने किया था? हल ने। एक इनका नाम है पूरा क्लार्क हल। इन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? डेविड ह्यूम। ये शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेशमर ने कृशकाय, दुर्बल, शूडलकाय, गोलकाय, ये सभी में किया है क्रेशमर। आगमनात्मक तर्क स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? कल्पना नहीं है, इसमें कल्पना को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? टॉरेंस ने निर्माण किया था। किसने? टॉरेंस नामक एक मनोवैज्ञानिक थी, इन्होंने किया था। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले G.W. ऑलपोर्ट है। कौन है? G.W. ऑलपोर्ट। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि एक प्रजातांत्रिक नहीं होती। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्मृति। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जॉन डेवी ने की है चिंतनशील सोच की चर्चा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? प्रभाव, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। रॉन फैन ब्रॉनर के जैव परिस्थिति सिद्धांत के अनुसार सामाजिक रीति रिवाज व परंपराओं को किस स्तर में शामिल किया गया है? वायुमंडल, लघुमंडल, वायुमंडल, घटनामंडल, लघुमंडल, बृहन्मंडल। तो इसको किया गया है बृहन्मंडल में। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग ने दिया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग ने दिया था। एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हॉल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि कौन सी है? ह्यूरिस्टिक विधि।
कक्षा में क्रिया को प्रधानता देने वाले प्रथम शिक्षा छात्री पेस्टोलॉजी। कक्षा में क्रिया को प्रधानता देने वाले प्रथम शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी है। किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? प्रदर्शन विधि नहीं, अन्वेषण विधि में क्या करता है? बालक करके सीखता है। प्रदर्शन विधि में देखकर सीखता है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, वॉटसन, गोलमन, स्किनर, लेविन, विथर्स, स्प्रेजर, प्लेटो, रूसो, विलियम जेम्स, कोयलर, सी एच ड्रल, फ्रायड, स्टैनले हॉल, जॉन डीवी, एरिक्सन, पियाजे, बंडूरा, सुरील कक्कर, माचलो, जेरम ब्रूनर, टॉलमैन, जॉन डीवी,